हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 टिप्स की जो आपको एसएसबी में पीपीडीटी स्टोरी लिखने के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो इन टिप्स को आपने एक बार ध्यान से समझ लेना है और फिर ही जो भी आपकी स्टोरीज होंगी, क्योंकि इसके बाद हम स्टोरीज जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से आपने स्टोरी को लिखना है, किस तरह से आपने नरेट करना है, और ग्रुप डिस्कशन के लिए जो भी हमसे हेल्पफुल बनेगा कि आपकी हेल्प की जाए, किस तरह से की जाए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल बात करेंगे कि स्टोरी लिखने से पहले कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, कौन से वो टिप्स हैं जो आपके माइंड में हर टाइम रहने चाहिए कि अगर मेरी स्टोरी इस तरह से होगी तो मेरी सिलेक्शन जो है वो फिक्स है कि मैं स्टेज वन आसानी से क्लियर कर जाऊंगा या कर जाऊंगी अगर मैंने ये टिप्स के अकॉर्डिंग ही स्टोरी जो है वो लिखी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम ऑब्जर्व की। देखिए, हमें 30 सेकंड मिलते हैं एक पिक्चर को देखने के लिए, और आप सभी को पता है कि जो पिक्चर है वो हैजी है, ब्लर है, वो इतनी क्लियर नहीं है। तो वहां से आपको उन 30 सेकंड में हर पॉसिबल थिंग्स को, जितनी भी पॉसिबल चीजें हैं जो आप वहां से एनालाइज करते हैं, उनको आपको करना है। तो ऑब्जर्व वहां पे आपको इतने ध्यान से करना है कि आपको उन वहां पर पिक्चर में क्या, कितने कैरेक्टर्स हैं, किस तरह का उनका मूड है, कितनी उनकी एज है, क्या उनका सराउंडिंग है, वो चीजें आप इतने अच्छे से ऑब्जर्व कर लें कि उसके बाद जो थीम है, जो भी पिक्चर है, वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बन जाए। तो वो 30 सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो 30 सेकंड आप अच्छे से यूज करते हो, तभी आप नेक्स्ट वो 4 मिनट में स्टोरी अच्छी लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व इस तरह से करना है कि आपके माइंड में हर चीज बैठ जाए कि हाँ, पिक्चर में उस पॉइंट पे ये चीज है, इतने कैरेक्टर्स हैं, उनका मूड किस तरह का है, एज कितनी है, और सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, किस तरह की सिचुएशन है, सिटी है या फिर विलेज है, वो सारा आपको ऑब्जर्व करना है। तो वैसे तो हम स्टोरीज भी करेंगे, तो वहां पर ऑब्जर्व को आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड थिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने सेकंड पॉइंट लिया है, ये है कि बी ओरिजिनल। तो देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई भी पर्सन जो है एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर हो रहा है, तो 100 में से 80% तो इस तरह के होते हैं जो काफी अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, चाहे उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, ऑफलाइन कोचिंग ले रखी है, लेकिन उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, खुद से पढ़ा है किसी भी तरह से, बट उनके माइंड में है कि किस तरह से हमने वहां पे परफॉर्म करना है। तो काफी सारी स्टोरीज हमने पढ़ी होती है। कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं जो बिना पढ़े ही चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जाते हैं, जाते हैं इस तरह के भी, बट उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्या किया होता है कि हमने इतनी सारी प्रेपरेशन पहले की होती है, 50 से 100 स्टोरी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वहां से हम रट्टा लगा लेते हैं कि हाँ, अगर इस तरह की स्टोरी है तो हम ये लिख देंगे वहां पे। तो देखिए, वहां पे इस तरह का कभी नहीं करना है। ओरिजिनल बनने का क्या मतलब है? ये नहीं है कि ओरिजिनल बनने का ये मतलब है कि आपने कोई स्टोरी पहले लिखी है वही वहां पे भी लिख रहे हैं कि मेरी भी स्टोरी है, ओरिजिनल है, मैंने बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम आपने पिक्चर को एनालाइज किया, उस टाइम के अकॉर्डिंग जब आपने अच्छे से एक बार उस थीम को समझा कि क्या है वहां पर, तो उस पिक्चर के अकॉर्डिंग वहां पर आपके माइंड में क्या स्टोरी आ रही है वो आपने लिखना है। देखिए, सिलेक्शन किस चीज से मिलेगी आपको? अच्छे से राइट करना है, अच्छे से नरेट करना है, ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, और स्टोरी की थीम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी होगा, प्री स्टोरी से बचना है कि जो पहले से स्टोरीज याद की हुई है आपने, या फिर आपने इतनी सारी स्टोरीज प्रैक्टिस की हुई है, उनमें से ही बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है कि कोई स्टोरी फिट बैठानी है वहां पे। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह का करते हैं कि पुरानी स्टोरीज में से ही कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई स्टोरी यहाँ पे फिट बैठ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद थर्ड है, जो थर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर जो है हमारी जो थीम है वहां पर, जो हमारे पास पिक्चर दिखाई गई है, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, 5 हैं 10 हैं इस तरह से हैं, यानी कि वहां पे एक भीड़ लगी हुई है इस तरह का है, तो उस सिचुएशन में आपको यही टिप रहेगा कि आपने फोकस करना है लेस कैरेक्टर्स पर। आपने ज्यादा कैरेक्टर्स पर ध्यान देना ही नहीं है, आपने सिर्फ लेस कैरेक्टर्स पर ध्यान देना है। मान लो आपकी पिक्चर में 4 से 5 कैरेक्टर्स हैं, तो 4 से 5 कैरेक्टर्स पर स्टोरी बनाना डिफरेंट रहेगा। अगर हर एक पर्सन को आप एक रोल दे रहे हो, स्पेसिफिक रोल दे रहे हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप उन 4-5 कैरेक्टर्स में से भी ध्यान से देखिए कि मेन जो एक्टिविटी है वो किसके द्वारा हो रही है। तो मेन एक्टिविटी को पहचानिए कि कौन जो पर्संस हैं, कौन जो लोग हैं, 2-3 इस तरह के लोग जो ज्यादा एक्टिव हैं, जो ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पर, उन पर फोकस कीजिए
रादर देन कि आप सभी पर फोकस कर रहे हो, बिकॉज स्टोरी जो है अगर आप सभी पर फोकस करोगे सभी को कुछ ना कुछ पार्ट देना पड़ेगा कि इस पर्सन ने ये किया, इस पर्सन ने ये किया, हेल्प भी की तो किस तरह से की, तो आप बाकी सभी को एक सिंगल पर्सन एज्यूम करके कि हाँ ये ग्रुप था, ठीक है, एक ग्रुप मानकर इस ग्रुप ने हेल्प की और मेन करेक्टर की हेल्प करवा सकते हो, लेकिन आपने सभी पर फोकस कम रखना है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि फोकस करना है सिर्फ लेस करेक्टर्स पर। उसके बाद नेक्स्ट है, हीरो जरूर बनाना है स्टोरी में से, क्योंकि हीरो का मतलब है कि आप अपनी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहां पर स्टोरी से सीधा सीधा मतलब होता है कि जो भी आप मेन करेक्टर ले रहे हो उसको आप खुद की तरह रख रहे हो कि हाँ आप कैसे काम करते हो। तो मेक अ हीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हीरो जरूर बनाइए वहां से, ठीक है। अब बात आती है, लास्ट टाइम भी कमेंट में आया था कि स्टोरी जो है वो किस टेंस में लिखनी है, तो हमेशा कोशिश करनी है स्टोरी जो है वो आपकी पास्ट टेंस में हो, बिकॉज आप एक स्टोरी बता रहे हो तो स्टोरीज जो होती हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में चलती हैं। अब इसमें टेंसेज का इन द सेंस कि पास्ट में आपको पता है इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चार टाइप्स आएंगे कि कौन सा यूज करना है, तो वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपने पास्ट यूज किया, बस आप सिंपल पास्ट लेकर चलिए, यानी कि आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते जाइए, वो इनफ रहेगा और आपकी स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो यहां पर नॉर्मली मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप वहां पर स्टोरी लिख रहे हैं आप सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं, सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने हीरो बनाया, अब हीरो का काम क्या होता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वहां पर एक प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी होगी, बिकॉज एक पिक्चर में आपको थीम दिख सकती है, प्रॉब्लम या तो हो सकता है दिख जाए, बट बहुत ही कम केसेस होते हैं जहां पे प्रॉब्लम दिखती है, मैक्सिमम केसेस में कोई एक्शन वहां पे दिखाया होता है, तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी होती है कि प्रॉब्लम क्या थी वहां पर। तो प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए और उस प्रॉब्लम को हीरो से, जो आपने हीरो बनाया हुआ है उससे सॉल्व करवाइए, ठीक है। तो यहां पर इस जो हमारे पास स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन थी इसमें हमने क्या समझा कि एक हीरो बनाना है और उस हीरो पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी है और उससे उसको सॉल्व करवाना है, वो लिखना किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टिप है ये है राइट नीट एंड क्लीन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये नहीं करना है कि कुछ लिखा फिर कट किया फिर नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ये चीज शो हो जाती है कि आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है, बिकॉज अगर आपने 15 से 20 स्टोरीज भी प्रैक्टिस कर ली तो कम से कम आपको कुछ एक वर्ड्स जो हैं, क्योंकि कुछ एक जो वर्ड्स होते हैं वो हर स्टोरी में यूज होते हैं, कैसे आपने स्टार्ट करना है, कैसे आपने फिर पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज करते ही आपकी फर्स्ट लाइन क्या होगी, वो कुछ चीजें सेम होती हैं हर स्टोरी में, सिर्फ थीम अलग होती है, एक्शन अलग होता है, स्टार्टिंग जो होगी वो बिल्कुल सेम होती है, तो वो प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी हो जाती है कि अगर आप वहां पे कटिंग कर रहे हो तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो कटिंग से बचना है। अब क्लीन में वो तो राइटिंग पर डिपेंड करता है, तो इतना भी ज्यादा इफेक्ट नहीं है कि अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट कोशिश करना है कि अगर आपकी राइटिंग खराब है तो खराब राइटिंग में भी थोड़ा इस तरह से लिखिए कि अच्छा दिखे, तो नीट एंड क्लीन का थोड़ा आपने ध्यान रखना है। उसके बाद रिवार्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये काफी एक इस तरह से हो जाता है कि हम क्या करते हैं, हम इस तरह से सोचते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हमने क्रिएट की उसको सॉल्व किया और उसके बदले में रिवार्ड दिलवा दिया, तो रिवार्ड का थोड़ा ध्यान रखना है आपने। रिवार्ड से पहले मैं यहाँ पे बी प्रैक्टिकल बता देता हूं, ये दोनों आपके पास सेम हो जाएगी। देखिए बी प्रैक्टिकल का मतलब है कि यहां पर आपने फिल्म नहीं कोई बनानी है, आपने कोई बॉलीवुड ज्वाइन नहीं करना है, आप क्या कर रहे हैं एक रियल लाइफ सिचुएशन को शो कर रहे हैं, तो जो भी आपकी स्टोरी हो कहीं स्टोरी आप ऐसी ना बना दो, मान लो कोई बिल्डिंग दिखा रखी है और आप बताओ कि हेल्प करने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा, ठीक है, वहां पे मूवी नहीं चल रही है, उतना बताना है जितना आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उस बिल्डिंग से आप कूद सकते हो तो वहां पे लिख दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं कूद सकते हैं तो नहीं लिखिए। तो प्रैक्टिकल बनना है, खुद को रखकर देखिए उस हीरो की जगह, अगर आप कर सकते हो वो भी कर सकता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचना है कुछ भी कि अलग ही लिख देना है। तो उसी तरह से रिवार्ड के केस में भी प्रैक्टिकल बनना है, मान लो नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी ने, मान लो किसी बच्चे को एक डॉग से बचाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर आप रिवार्ड क्या दिलवा रहे हो कि पूरे गांव ने सराहना की, और सराहना की तक ठीक है कि पूरे गांव ने सराहना की,
सरपंच ने उसको अवार्ड दिया। क्या ऐसा होता है? बहुत ही रेयर केस हो सकता है ऐसा कि ऐसा हो जाए कि मान लो किसी को किसी डॉग से बचाया गया और सरपंच ने पूरे गांव को बुलाकर उस पर्सन को अवार्ड दिया। तो ये जो है ये रियल में नहीं होगा, रियल लाइफ में नहीं होगा। तो रियल बनना है आपने, जो हो रहा है प्रैक्टिकल बनना है, जो हो सकता है वही लिखना है। तो इम्पोर्टेंस उसी चीज को देनी है जो प्रैक्टिकल है। तो इन चीजों का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नीट एंड क्लीन लिखना है, रिवार्ड देते हुए ध्यान देना है कि क्या ये रिवार्ड वाकई में मिल सकता है, जहां जिस सिटी में जिस विलेज में कहीं पर भी आप रहते हो, क्या वहां पर इस तरह के रिवार्ड दिए जाते हैं जैसा आप दिलवा रहे हो। तो उसी के अकॉर्डिंग रिवार्ड देना है और प्रैक्टिकल हमेशा बनना है। स्टोरी को थोड़ा रियल लाइफ से कंपेयर करके ही बनाना है, कहीं ऐसा ना हो आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, जो काम पॉसिबल नहीं होता है वो आप बताने की कोशिश करो। तो इसका मतलब है कि आप रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं हो, अभी जस्ट आपने मूवीज ही देख रखी हैं। तो उस चीजों से, उन चीजों से थोड़ा बचना है। तो ये हमारे कुछ टिप्स थे। और कल जो है हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि पहली स्टोरी जो है, वैसे हमने पहले भी स्टोरीज बना रखी हैं, बट वो जो है वो स्टोरीज जस्ट सैंपल स्टोरीज थी, उनपे हमने मेहनत नहीं की थी। इस बार जो हमारी स्टोरीज होंगी उनपे हम मेहनत करेंगे, एक अच्छी स्टोरी बनाएंगे, उस पर नरेशन भी करवाएंगे आपको। तो जो स्टोरी आएगी वो कोशिश करेंगे कल आ जाए। तो आज के जो टिप्स थे ये आपको हेल्पफुल रहेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को और शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।